हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। आज 4 मार्च 2019 वार सोमवार के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। द 7th इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP वाज हेल्ड इन द सीएम रीप ऑफ कंबोडिया। द मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 2nd मार्च। इन दिस मीटिंग वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू आइटम्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉरपोरेशन, कंपटीटिवनेस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर डिस्कस्ड। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन सुरेश प्रभु फ्रॉम इंडिया। क्षेत्रीय व्यापक क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी की 7वीं अंतर सत्रीय मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कंबोडिया के सीएम रिप में किया गया। इस बैठक का आयोजन 2 मार्च को किया गया। इस बैठक में वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, आर्थिक व तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा बौद्धिक संपदा अधिकार इत्यादि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग तथा नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने हिस्सा लिया है। नेक्स्ट, द कैबिनेट कमेटी ऑन कैबिनेट अप्रूव्ड द 2nd एडिशन ऑफ द थीम फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स स्कीम्स फॉर दिस 10,000 करोड़ रुपीज हैव बीन अप्रूव्ड फॉर 2022। कैबिनेट मामलों की आर्थिक समिति ने फेम योजना के दूसरे संस्करण को मंजूरी दी। इसके लिए 2022 तक के लिए 10,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नेक्स्ट, यूनियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिनिस्टर स्मृति ईरानी लॉन्चेज ए स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नाइटवियर सेक्टर अंडर पावर टेक इंडिया। केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री स्मृति ईरानी ने पावर टेक्स इंडिया के तहत नाइटवियर बुने हुए वस्त्र सेक्टर के विकास के लिए योजना लॉन्च की है। और नेक्स्ट लास्ट न्यूज, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। भगवान लाल साहनी वाज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। कौशलेंद्र सिंह पटेल एंड आचार्य तल्लोजू वर अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन। भगवान लाल साहनी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। कौशलेंद्र सिंह पटेल तथा आचार्य तल्लोजू को इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का करंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करना ना भूलें। यूवी कंपटीशन चैनल को शेयर करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, और साथ ही साथ यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा हमें अनअकैडमी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।